हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल बड़ा कैब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, काफी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि एक एस्प्रेसो जो गाड़ी आती ना, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो गाड़ी और अल्टो 800 ओला उबर में काम करने के लिए कैसी रहेगी, लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और ये इस गाड़ी की जो काउंटिंग होती है वो किस कैटेगरी में होती है, और इसकी जो अर्निंग है ओला उबर में कैसी हो जाती है, वो सारा कुछ होगा आज के ब्लॉग के अंदर। सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि एस्प्रेसो गाड़ी ओला उबर में कैसी चलती है, अल्टो होए या फिर ओला उबर में एस्प्रेसो, जो काफ़ी सारी छोटी सी गाड़ी आती है, अभी जब भी नई लॉन्च हुई है, करीब एक साल जैसा हुआ होगा या 6 महीने, क्योंकि इसकी कीमत क्या है मुझे नहीं मालूम है। अल्टो और इसकी कीमत एग्जांपल होगी 3 या 4 के अंदर ही होगी, या फिर 3 के अंदर होगी, या 3 के अंदर तो नहीं होगी पर 3 और 4 के अंदर ही होगी। कीमत मुझे नहीं मालूम है कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी सारे भाइये पूछते हैं कि इस गाड़ी की जो काउंटिंग होती है, जो कैटेगरी होती है, वो किस कैटेगरी में आती है, ओला में उबर में। तो दोस्तों, ये माइक्रो कैटेगरी में आती है, ना ही वैगनार की। काफ़ी सारे भाई ऐसा सोचते हैं कि ये इसकी जो काउंटिंग होती है वो वैगनार के कंपेयर में होती है, तो ऐसा भी नहीं है भाई। ये गाड़ी ना वैगनार के कंपेयर में नहीं होती है, सबसे नीचे इसकी काउंटिंग होती है, जो ओला में पहले माइक्रो चलती थी, अभी भी काफ़ी शहरों में चल रही है, नहीं चल रही है बट मेरे यहाँ मेरी सिटी के अंदर ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो इसकी जो काउंटिंग आती थी वो माइक्रो कैटेगरी के अंदर आती थी, सबसे छोटी गाड़ी के अंदर, बिल्कुल सबसे जो यहाँ कम रेट दिया जाता है उस कैटेगरी में इसको लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं ओला उबर में काम करने के लिए, प्लान कर रहे हैं अल्टो गाड़ी या फिर एस्प्रेसो गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काम करने के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी है और काम करना है, फ्यूल भी जाएगा, CNG है, और ये सारा कुछ जाने के बाद आपको प्रॉफिट ना मिला शाम को, तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। तो इन चीज़ों को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि देखो, आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, बट आपको शाम तक कोई प्रॉफिट ना मिले उस गाड़ी के ऊपर, तो आपसे अच्छा एक वैगनार वाला आपसे अच्छी वही टाइम पे काम कर रहा है जो आप टाइम सुबह जा रहे हैं। माना दोनों ने काम स्टार्ट किया, एक वैगनार और आपके पास दोनों गए, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। अगर माना उसने 3,000 का काम किया तो 1400 रुपये कहीं भी आपकी अर्निंग होगी टोटल। तो इसमें भी आधा आधा फर्क है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़्यादा आपको मिलने वाला है तो 5-6 रुपये किलोमीटर मिलता है, और वैगनार में उसकी जो किलोमीटर रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा है, और सिडान में उसके हिसाब से और ज़्यादा है, फिर आर्टिगा में उसके हिसाब से और ज़्यादा है। तो जैसी गाड़ी आपके पास होगी वैसा अर्निंग होगा, वैसे ही आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए इस गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा भाई, आप काम करेंगे, ड्यूटी कम्प्लीट वही टाइम पर करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, वही टाइम पर आप अपनी ड्यूटी करेंगे, फिर आपका अर्निंग और प्रॉफिट दोनों कम होगा। क्यों कम होगा? काफ़ी सारे भाई आप सोच रहे हो, क्योंकि देखो, ओला में उबर में दो बुकिंग आती है, एक मिनी कैटेगरी की, एक सेडान की, एक SUV की। तो जब कस्टमर मिनी हैचबैक बुक करेगा, उसको वैगनार और सेडान गाड़ी मिलेगी, डिज़ायर या एक हुंडई एक्सेंट, तो वो एक छोटी गाड़ी में आपको साथ क्यों जाएगा? ओला उसको प्रोवाइड कर रही है, वैगनार प्रोवाइड कर रही है उसको, सेडान गाड़ी डिज़ायर है या हुंडई की एक्सेंट है या होंडा सिटी है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं सेडान के अंदर, वो उनको कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, तो आपकी एक अल्टो और एस्प्रेसो में गाड़ी में कस्टमर क्यों जाएगा उसी फेयर के अंदर? आप ये चीज़ सोचो। चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं चल रही हैं, चल रही हैं, बहुत सारी चल रही हैं, बट मेरी सिटी के अंदर एक भी गाड़ी नहीं है अल्टो ना ही एस्प्रेसो, ये दो गाड़ियों में से मेरी सिटी में एक भी गाड़ी नहीं है। वैगनार है, बहुत ही कम, डटसन गो है, सलेरियो है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गाड़ियाँ हैं वो 4 या 5 होंगी पूरी सिटी के अंदर, टैक्सी के अंदर ओला उबर में चल रही हैं, 4 या 5 होंगी, 10 से ऊपर नहीं होंगी, 10 के अंदर होंगी, बाकी सब सिडान और SUV एटिगा ही है, और उससे नीचे कोई गाड़ी नहीं है। तो अल्टो और एस्प्रेसो को तो एक भी गाड़ी नहीं है मेरी पूरी सिटी के अंदर। क्यों? कस्टमर जो है
वो मिनी बुक करते हैं अगर उनके पास है। मेरे को काफी सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो वैगनार चला रहे हैं, दो तीन जने ऐसे हैं मेरे जो नजर में रहते हैं हमेशा, और वो लोग कहते हैं कि वैगनार की बुकिंग आती है पर उनको मिनी में जाना है पर सीडान चाहिए, बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। पर जिनको कोई इशू नहीं होता है वो बैठ के चले जाते हैं, पर काफी ज्यादा बुकिंग कैंसिल होती है वैगनार की, वो जाना चाहते हैं सीडान के गाड़ी के अंदर। तो कस्टमर जैसे ही देखते हैं वैगनार आ रही है वैसी बुकिंग कैंसिल कर देते हैं, और जैसे ही फिर दोबारा से बुक करते हैं तो उनको डिजायर मिल जाती है। पहले तो बुकिंग डिजायर वालों के पास जाती है, डिजायर वाले नहीं लेते तो वो बुकिंग जाती है वैगनार वालों के पास, या फिर सैलरी हो या फिर डेटसन को। अभी पूरा मार्केट चेंज हो चुका है क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, आप अगर 3-4 लाख रुपए की गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो अल्टो है या एस्प्रेसो है, तो इनकी जगह आप सेकेंड हैंड यूज कार ले लें भाई, 2-3 लाख रुपए में मस्त गाड़ी आ जाएगी, और आप एक सीडन कार चला सकते हैं, या फिर वैगनार छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं तो छोटी गाड़ी भी मिल जाएगी 3-4 लाख रुपए में, एक बेस्ट गाड़ी आ जाएगी। ये भी 3-4 लाख रुपए से कम आने वाली है नहीं, तो ये चीज़ आप डिसाइड कर लें, सोच लें। काम करने का क्या होता है, देखो आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो और आपका प्रॉफिट ना हो तो कोई गाड़ी लेने का भी मकसद नहीं होता है। तो गाड़ी आप ऐसी परचेस करें जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करें तो आपका कुछ बजट निकल आए और आपका कुछ प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस चीज़ में कैसा होता है, देखो को कि आप जैसी गाड़ी आपके पास होगी वैसा ही आपका अर्निंग होगा, वैसा ही प्रॉफिट होगा, सारा कुछ होगा। अब आप सोचते होगे कि काफ़ी सारे भाई बोलते हैं एटिका का 20-22 हज़ार रुपये ईएमआई आता है, तो आता है तो जैसा ईएमआई आता है वैसा उसका इनकम भी होता है और वैसा इसका प्रॉफिट भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट में इतनी ज़्यादा जो वेटिंग चल रही है, क्यों चल रही है, क्या वजह, तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हो। और दूसरी एक चीज़ है कि ओला और उबर हमेशा ड्राइवर को दबाव में रखना चाह रहा है और काफ़ी ज़्यादा दबाव हो चुका है। मेरी सिटी के अंदर तो उसका कुछ चलने वाला नहीं है, तो मेरी सिटी का जो माहौल है वो कुछ अलग ही है दोस्तों। काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे भाइयों ने बोला भी था कि उनको कमेंट में मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दे भी दिया है, फिर भी मैं सोचा एक क्यों ना एक इसके ऊपर ब्लॉग बना लिया जाए। और जहाँ तक जो भाई सोच रहे हैं इस गाड़ी लाने का, देखो चल रही है, आप सुबह से 12 घंटे काम करें और आपके आधे पैसे हों और आपसे अच्छा वैगनर वाला अर्निंग कर रहा है, तो मेहनत भी आपकी उतनी, मेंटेनेंस भी उतना, आपका सीएनजी भी उतना ही उसमें जाने वाला है वैगनर के इतना, तो एक वैगनर ही परचेस क्यों ना की जाए। फिर आपका बजट अगर इतना नहीं हो रहा है तो आप 3-4 लाख रुपये उसमें खर्च कर रहे हैं, हमारा 1-1.5 लाख रुपये की डीपी भर रहे हैं, तो 1-1.5 लाख रुपये डीपी भर के आप वो गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो एक सेकेंड हैंड यूज का 1-1.5 लाख रुपये में देखिए, और आपको 2-3 लाख रुपए में तो बहुत मस्त गाड़ी आएगी। कल ही मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि 2016 की हुंडई की एक्सेंट डीजल गाड़ी है और 1,70,000 रुपए में दे रहा है, क्या लेने जैसी है क्या नहीं है। उस भाई को मैंने बोला 1,70,000 रुपए कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में एक आप ऑटो भी खरीदने जाओ तो अगर लोन फाइनेंस करा रहे हो तो 3-3.5 लाख रुपये की ऑटो आ रही है, 3 लाख मैक्सिमम तो आ ही रही है, 3-20, 3-30, और उसकी कीमत जो है वो 2.5 लाख के ऊपर है कैश में। तो ये चीज़ भी आप सोच सकते हो, अगर वो 1,70,000 रुपये में गाड़ी ले रहा है भाई, उसने माना ले ली, तो एक साल में चलाने के बाद वो 1,70,000 रुपये उसमें कवर हो जाएंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे, फिर भी वो गाड़ी 80-90 हज़ार 1 लाख रुपये तक की बचेगी, तो वो समझ लेना वो प्रॉफिट हो गया। माना गाड़ी चल चुकी होगी या कुछ इशू है, तो देखो सेकेंड हैंड यूज कार लेने के लिए आपको थोड़ा सा बजट बना के चलना पड़ेगा, क्या मालूम कुछ भी निकल सकता है और निकलता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कल मिलेंगे, कैसा होगा सारा कुछ बताएंगे कल वाले ब्लॉग के अंदर। तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट कर देते हैं, गुड बाय।